गैंगस्टर बंदा हो। गैंगस्टर शमी गैंगस्टर बंदा है क्यों? बाकी सारी कंट्री इतनी दिम जाए दी गैंगस्टर है वक्त नहीं है गल दे के वाला वक्त पाया वक्त पाया भाई शमी ने हणी शमी देखो फिर आज है क्यों ना लिख ले पर ये देखना आटे लून उन्होंने करू ना क्या करना है शमी ने आटे लून मतलब आटे को लून बना देना है नचना ही है भैया पैसा भी लुवाना है ए डो 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 चल रख आगे आगे अरे भाग गए अरे रुको नाच तेन पूरा अरे अंदर मैच के बारे में पता नहीं है असली खेले थे बांटे टीलन टीलिया गुल्ली डंडा ये पूछ ले क्रिकेट क्रिकेट है नहीं ओ साडे पल्ले नहीं पैदी क्रिकेट तो इजी है यार विराट कोहली ओ पता ही नहीं जी शमी तो भी नाते पूरी उम्र ट्राई करे बने नहीं ये 10 में 10 मैच कैसे जीत सकती है इंडिया इंटेलिजेंट है वो इंडिया इंटेलिजेंट है गलत सही वर्ल्ड कप 2023 के 10 में से 10 मैच जीतकर इंडियन क्रिकेट टीम ने इतिहास जरूर रच दिया लेकिन 19 तारीख को होने वाला है फिनाले ऑस्ट्रेलिया के साथ और मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ कहने की कोई बात नहीं है और यही सेम एक्साइटमेंट जो है पूरे जम्मू वालों में जरूर होगी तो इसी एक्साइटमेंट को पूछने के लिए और मैच जो 19 तारीख को होने वाला है फिनाले उसकी बात करेंगे आज सबसे पहले भैया फिनाले पूजिए इंडिया फिर जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर मार गए मार गया क्या लग रहा है इस बार जीतनी नहीं जीतनी सर क्यों नहीं जीतेगी पक्की गल है ये नहीं जीती थे बिल्कुल सर जीतेगी क्यों नहीं सो इंडिया वर्ल्ड कप में पहुंच गए मार के थैंक यू सो मच लेकिन मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी मैं देखती ही नहीं क्रिकेट नहीं देखते नहीं देखती बिल्कुल थोड़ी सी भी नहीं नहीं मार के इंडिया वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंच गई ठीक है आए तो किसी का ना देखना और क्या करना है तो देख दे दिखने होने ना फिर सारे फाइनल लिखा यानी 32 ओवर तक जब वो अपने केविन और वो डोगरी बोलना है डोगरी जी बोलना मजा आंदा यानी मी भी आंदा बड़ा लोकल टोन है बस भी मजा आंदा बहुत मोंट है और नहीं देखे नहीं मैं सुनया अपना फाइनल देखने मोदी जी आ करदे हां देओ मोदी साहब भी आन हैं जीत गए नहीं बाहर भी आने चाहिए ना कोई और भी बाकी टीमें दे भी जेडे प्रधानमंत्री मंत्री यानी वो भी आने चाहिए सही गल है ऑस्ट्रेलिया दा कौन प्रधानमंत्री पता तुही यानी ऐसे के लेने साडे हिंदुस्तान दा मतलब है हां मोदी है ठीक है मोदी हां और के खर्चे फिर ते नहीं कंट्रोल टीवी पर चढ़ा चाहिए हां चढ़ाना पड़ा नहीं मेरी गल तो सुनो बोलन तो देओ भी मैं भी लगदा तो है कि इस बार फाइनल जितना है जितना जितना करे नहीं जितना बारे जितना गल तो बिल्कुल सही है करे जितना ते कौन लगदा फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन होना सारे ना सारे 11 दे सारे नहीं आगे कर गए कोई एक जड़ा विराट कोहली एक और सेंचुरी आएगी कोहली सुपर है सुपर है सुपर तो भी ऊपर है हैं तो शमी इंडिया होगी मैन ऑफ द मैच यस ठीक है क्या लगता है जीतेगी फाइनल पक्का यार पक्का जीतेगी अगर अगर नहीं जीती तो जीतेगी यार हमें पता पक्का ना पक्का इंडिया पे भरोसा है यार पूरा जीतेगी आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इस बार वर्ल्ड कप में जिसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी समी हाय हाय क्या बात है विराट कोहली नहीं वो तो खेलता ही है समी ने इस बार तो कुछ ज्यादा ही कर दिया इंडिया फिनाले में पुजिए फिर खुशी वाली गल है नहीं ये 10 में 10 मैच कैसे जीत सकती है इंडिया इंटेलिजेंट है वो इंटेलिजेंट गलत सही है नहीं वो पाकिस्तान वाले बोल रहे कहते हैं ये ना चीटिंग कर रहे हैं बॉल चेंज कर देते हैं अपनी बारी नहीं ऐसा कुछ नहीं बॉलिंग में वो ट्रेनिंग उनको ज्यादा अच्छी है ऐसा नहीं है फाइनल में पहुंच गई मुबारक भैया मैच के बारे में पता नहीं है असली खेले थे बांटे टीलन टीलिया गुल्ली डंडा ये पूछ ले क्रिकेट है नहीं वो साडे पल्ले नहीं पैदी क्रिकेट तो इजी है यार विराट कोहली वो पता ही नहीं जी चीज शमी तो भी नाते पूरी उम्र ट्राई करे बने नहीं चलो कोई बात नहीं क्या लगा जीतेगी फाइनल में डर डर का माहौल है 2019 का रिकॉर्ड दे दिया उन्होंने आज 2023 में मुंह तोड़ जवाब दिया उनका ओ यार मैक्सवेल बड़ा पैड़ा ही है फाइनल में मैक्सवेल ले तो पता है हवा चुटे दे ले और विराट कोहली उस तो जा रहा नहीं होते हैं पर फिर भी किसी एक प्लेयर से डरना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के इंडिया को क्यों डरना भाई विराट कोहली महाकाल से होके आया है महाकाल की शक्ति है वो जायंट से होके आया है जब से ओके देखा हमने कितना अच्छा खेल रहा है तो पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि नहीं ये चीटिंग करते हैं बॉल बीच में चेंज कर देते हैं कि ज्यादा स्विंग खुद गंदी है उन्होंने क्या चीटिंग नहीं हमारे खिलाफ कोई बोल सकता कुछ भी नहीं बोल तो नहीं सकता तो फिर इंडिया के आगे कोई बोल सकता है क्या बोलेगा वो मरेगा इंडिया हैज बीन सही बात है यार ये मोहम्मद शमी
हमारे क्या प्लेयर है, अपना पांच विकेट ले आ रहे, उससे सात 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 दो खाई उड़े, दो खाई उड़े सही वाला। और बाकी सुनाओ, बाकी बस बढ़िया, तो सुनाओ बस बढ़िया। हिस्ट्री में पहली बार ही हुआ है जो एक मैच भी नहीं हारी, एक मैच भी नहीं हारा। क्या लगता है क्या राज है इसके पीछे? मेहनत है यार उनकी, बहुत मेहनत कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ हेड कोच है जो बहुत अच्छी कोचिंग दे रहे हैं। ये नहीं सुना ले या कोई डर डर है? नहीं नहीं भाई, जीतेगा क्यों नहीं जीतेगा, ऑफ कोर्स इंडिया जीतेगा भाई। इसलिए बड़ी भैड़ी है, बड़ी भैड़ी, जो मर्जी है इंडिया थोड़े भजन देता। नहीं भजन देता, नहीं भजन देना भाई, बजी बजी है, नहीं भजनी दिख रहा है इस बारी। क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए इस बार? स्ट्रेटजी के चुपचाप बही गए पहले तो गल बननी। हाँ जी, अच्छा अगर क्या लगता है कि इंडिया की जैसे बॉलिंग बड़ी खतरनाक चल रही है, ऑस्ट्रेलिया कितने बॉल आउट कर लेगी? मैं पहला सुनाने सारे बहियान पहले बहियान पहले बहियान पहले ही खत्म खत्म। मैक्सवेल बड़ा खतरनाक खेल रहा हूँ, जिन्ने मर्जी खत्म खतरनाक है, पता चल लेना पे। आओ शामी शामी दिखो फिर, अज क्यों ना लिख लिया, देखना आटे लून उन्हें करूँ ना। क्या करना शामी ने? आटे लून मतलब आटे को लून बना देना है। आटे में नमक डाल के होता है जो मिर्ची लगती है उनके तड़का बना देते हैं, वो शमी ने बना देना ही है फाइनल में। फाइनल में मजा तो आएगा है। हां भाई बिल्कुल, क्या बात है। लेकिन यार वो पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं ना, कहते हैं ये नहीं, ये बॉले चेंज कर रहे हैं बीच में, चीटिंग कर रहे हैं। वो बात नहीं होगी भाई, इंडिया जीतेगा तो जीतेगा, फाइनल जो मर्जी हो जाए। अगर जीत गया तो क्या करना फिर आपने? करना क्या, पटाखे फोड़ने अपने, जैसे मस्ती में भंगड़ा बजेगा अपना भाई। सही बात है, चलो ठीक है भैया, थैंक यू भाई। इंडिया अभी बड़ी फॉर्म में है, उनके जो पांच बॉलर हैं वो अभी बड़े फॉर्म में है, क्योंकि उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया भी तो पैड़ी है। नहीं ऑस्ट्रेलिया अब कर नहीं सकती क्योंकि उनके बॉलर फॉर्म में है, और बैटिंग भी रोहित शर्मा और कोहली जी की बहुत फॉर्म में है। तो जीतेगी इंडिया फिर? इंडिया पक्का जीतेगी, 100% जीतेगी। इन्होंने तो बॉल बैट भी हाथ में पकड़ा हुआ है, इंडिया फाइनल में पहुंच गई है फिर। हाँ जी हाँ जी, फाइनल है। डर लग रहा है ऑस्ट्रेलिया से कहीं हार ना जाए 11वां मैच है? नहीं सर ऐसे नहीं हार सकती है। क्यों? इंडिया नहीं हार सकती, कोहली इंडिया की टीम में तब तक इंडिया हार नहीं सकती फाइनल। नहीं नहीं हार सकती। आप तो बदल रहे हो जी, आपको पहचान लिया हमें, मैं भी आपके बोलने से पहचान के बहुत अच्छे। लेकिन यार फिर भी थोड़ा थोड़ा डर, क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया के कौन से प्लेयर से बच के रहना चाहिए? किसी प्लेयर से नहीं है, बिल्कुल नो टेंशन। प्लेयर शमी और हमारे विराट कोहली, 11 हमारे दो बस खिला दो तब भी जीत जाएंगे। जी सर बिल्कुल, कोहली की सपोर्ट करेंगे हम बराबर, और इंडिया जीत। ये बैट बैट कम थापी ज्यादा लग रही है, लेकिन इंडिया जीतेगी पक्का। इंडिया पक्का जीतेगी, पक्का जीतेगी, इंडिया भैया जीतेगी, इंडिया जीतेगी पक्की। डर लग रहा है, नहीं जीती थे क्यों नहीं जीतेगी? नहीं जीती थे, जीतेगी 100% फुल कॉन्फिडेंस है। कौन से प्लेयर पे जाएगा कॉन्फिडेंस है? विराट कोहली और विराट कोहली, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा सारे फॉर्म में, सभी फॉर्म में। यार जब हार्दिक पांड्या बेचारा सा जख्मी हो गया, उसके बाद चला गया शमी आया, उसके बाद शमी बैटर कर रहा है, बॉलिंग अच्छा कर रहा है बॉलिंग तो। क्या लगता है शमी के इस परफॉर्मेंस के पीछे का राज क्या है? वो अपने काफी देर वो पीछे रहा, थोड़ा बीमार वगैरह रहा, उसके बाद आके वो उसने ठीक किया, उसी के तहत 7 विकेटें ली उसने, अगले ने मैच जिताया, उसी के कारण मैच जीता सारा। फाइनल में क्या लगता है कौन अच्छा परफॉर्म करने वाला है? सभी अच्छा करेंगे, इंडिया अच्छा करेगी तो तभी फाइनल में पहुंचे। नहीं इस बार जीतेगा सर, 2003 का बदला, 2003 का कोई बोलता 19 का बदला, 3 नहीं नहीं 3 का, 3 का 19 का न्यूजीलैंड से ले लिया, वो ले लिया 3 का ऑस्ट्रेलिया से, सारे इंडिया ने सारे बदले लिए, किसी को नहीं छड्डा, किसी को नहीं। लेकिन शमी यार, शमी का खेल रहे शमी, किस्मत ही हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गया, नहीं तो हमने क्या करना था, नहीं तो शमी बेचारा बेंच में बैठा रहता। लेकिन तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा। शमी के लिए क्या बोलोगे? शमी के लिए ऑल द बेस्ट, इंडिया के लिए ऑल द बेस्ट, और आपके लिए ऑल द बेस्ट। मेरे लिए ये कौन सा ऑल द बेस्ट है भाई? मेरे लिए क्यों ऑल द बेस्ट? बस आपका भी चैनल ग्रो करे, अच्छा करे। थैंक यू थैंक यू। सो जम्मू वालों की एक्साइटमेंट तो नेक्स्ट लेवल है भाई साहब, सबको पूरा यकीन है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम पर कि इस बार वर्ल्ड कप जो है हमारे हिंदुस्तान में ही आएगा। एंड आपकी एक्साइटमेंट लेवल क्या है 19 तारीख के लिए? इंडियन क्रिकेट टीम को ऑल द बेस्ट, आप सारे भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ ऑन गाइस, कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।